our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों में एक बड़ा नाम शुमार मुख्तार अंसारी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके भतीजे जो मनु अंसारी हैं, मोहम्मदाबाद सीट से अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो जो हैं वो चुनावी अभियान में पूरे जोश थोश के साथ जो है वो लग गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरा का पूरा जो है वो कड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं, किस तरीके से मनु अंसारी जो हैं वो जनता से रूबरू होते नजर आ रहे हैं, लोग उनके साथ जो हैं वो सेल्फियां ले रहे हैं और जो मनु अंसारी हैं वो लोगों को अपने कैंडिडेट यानी कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए लगातार जो है वो प्रसार प्रचार करते नजर आ रहे हैं और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। तो मनु अंसारी जो हैं आजकल काफी ज्यादा चर्चा में हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के विधानसभा में जाकर अपने कैंडिडेट को जिताने और बीजेपी को हराने के लिए भरपूर प्रयास करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम तस्वीरें साझा किया है और उन्होंने कई सारी तस्वीरों को साझा करके लिखा है कि आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के बलिया लोकसभा प्रत्याशी बलिया से सनातन पांडे जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और उसी बलिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली जहूराबाद, जहां से ओम प्रकाश राजभर विधायक हैं, वहां पर विधानसभा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक के उपरांत क्षेत्र में जनसंपर्क कर पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट अपील किया। यानी कि मनु अंसारी जो हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कभी धर्मेंद्र यादव के लिए तो कभी अपने चाचा यानी कि अफजाल अंसारी के लिए भी लगातार जो है वो मेहनत करते नजर आ रहे हैं। तो इस कड़ी में अब जिस तरीके से सनातन पांडे के समर्थन में मनु अंसारी उतर गए हैं, उनकी एक अलग तरीके की चर्चा हो रही है। भले ही अंसारी परिवार के सदस्य हैं लेकिन वो साफ छवि को लेकर जाने जाते हैं और जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव हो चुके हैं उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, बलिया से इंडिया अलायंस के सनातन पांडे जीत पाएंगे, इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।